नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि नहीं आप स्टार्टअप करते हो, फर्स्ट एसआईपी स्टार्टअप कर रहे हो 1000 रुपये की, तो कितना इसको पैसा मिलेगा, यानी 1000 की हम एसआईपी स्टार्टअप करते हैं तो हमारे को कितना पैसा मिलेगा। इसके साथ में हम बात करेंगे कुछ है जो मेजर पॉइंट के बारे में, जैसे बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं, यानी किस म्यूचुअल फंड में हमें निवेश करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। और 20 सालों के लिए यदि हम पैसे लगवाते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट चालू रखते हैं, एसआईपी चालू रखते हैं, तो कितना पैसा मिलता है, और बीच में यदि हमारे को जरूरत रहती है तो हमारे को कैसे मिलेगा, इसके साथ में क्या है, उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, क्या फीस देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ये सब आपको बताएंगे। अगर एसआईपी ये जो कंटिन्यू करने के लिए पैसे हमारे पास नहीं है तो क्या उस पर जो पेनल्टी लगेगी या जो हमारे को जेल जाना पड़ेगा, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत से लोग पूछते रहते हैं, तो ऐसी जो हम इस चीज़ में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, यही पॉइंट कवर करेंगे और आपको बताएंगे। इसके साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कैसे 1000 रुपये की स्टार्टअप कर सकते हैं, एक छोटी सी एसआईपी स्टार्टअप करके अच्छा पैसा बना सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ में हम आपको बताएंगे 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड जो बहुत अच्छे हैं 2024, 2025 से 2026 में आप इसमें बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है यह समझ देते हैं। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो आपको मैं बता दूं, म्यूचुअल फंड एक ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा एक स्टॉक होता है, ऐसा एक इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप लोग, हम लोग और आपके जैसे हजारों लोग वो अपना पैसा एक ऐसे फंड मैनेजर को देते हैं जो एक बड़ा एक्सपीरियंस वाला होता है, उसके पास में बहुत अच्छा नॉलेज होता है, स्टॉक मार्केट में हो या शेयर मार्केट में हो या अलग अलग कंपनियों के बारे में, उनके पास में अलग अलग डाटा इकट्ठा होता है, वो एक अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो आप लोग और हम लोग जो भी पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड में, जो पैसा लगाते हैं वो एक ऐसे फंड मैनेजर के पास में जाता है, वो फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एक शेयर मार्केट में हो या स्टॉक में हो या किसी और कंपनी का कोई स्टॉक खरीदता है तो उसमें लगाता है जो ग्रोथ हो सकती है, जहाँ से अच्छा खासा रिटर्न रेवेन्यू जनरेट होकर आपको भी दे और उसको भी थोड़ा बहुत कमीशन मिल सके, उसके बेसिस पे वो काम करता है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड में आप एक्टिव जो होता है एक, और एक होता है पैसिवली। तो आपको बता दूं, एक्टिवली में हमेशा जो एक्टिव है, जो रोज जो उस पर जो काम होता है, रोज ट्रैकिंग होती है, रोज नए नए फंड ढूंढते हैं उनके बारे में ट्रैकिंग की जाती है, तो इसमें जो फंड मैनेजर और जो वर्कर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी, तो ज़्यादा जो एक्सपेंसिस रहेगा इसमें खर्चा भी ज़्यादा आएगा, तो ऑब्वियसली बात है इसका जो भी जो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस रेशियो हमेशा ज़्यादा होगा। और जो अपना पैसिव बात करूं तो पैसिव हमेशा जो पहले से जो डिसाइड हो जाएगा, पहले से ये जो साल 2 साल 3 साल पहले वो फिक्स हो जाता है कि ये जो इतना होगा उतना कंपनी में उसमें जाएगा, उतना 5% उसमें जाएगा, तो उसमें कोई रोज चेंजेस होने का चांसेस नहीं है। वो ये जो पूरा है, जो एक ऑल सेट होता है, उसमें जो कम मेंबर की जरूरत होती है, जो भी जो मेंबर होते हैं, जो एक दो इसके अंदर ही होते हैं, ज़्यादा जिसमें कुछ मैनेजर रखे नहीं जाते हैं, तो इसमें जो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा जो मेंबर नहीं होंगे, ज़्यादा वर्कर नहीं होंगे, तो आपका जो भी जो इसके चार्ज आएगा वो कम आएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि 0.17 या 20 या 25 या 30 के आसपास ही आएगा। और जबकि जो दूसरे में आपका लगभग 80-90% तक भी जो आता है इसका जो एक्सपेंस रेशियो, तो आप ये दोनों डिसाइड कर सकते हैं, फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में ये होता है कि म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के होते हैं। इसके साथ में दोस्तों, एक्टिवली में हमेशा रिटर्न थोड़ा ज़्यादा रहेगा और हमारा पैसिवली में रिटर्न थोड़ा कम रहेगा। एक्टिवली में थोड़ा चार्जेस भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो डेली ट्रैकिंग होती है, इसके साथ में मैनेजर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसका थोड़ा चार्जेस होता है। पैसिवली में जो आपका कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता है और चार्जेस भी कम होते हैं, और आप रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी कम करोगे, क्योंकि इसमें जो कम जो होता है ट्रैकिंग वगैरह, जो एक बार तय होने के बाद में जो वही उसी पे काम होता है, तो इसमें जो रिटर्न भी थोड़ा कम होता है। अब हम ये समझते हैं दोस्तों कि एसआईपी एक्चुअल में होता क्या है। एसआईपी जो एक्चुअल में ये होता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आपने ये फिक्स कर दिया कि मेरे को 2-3 तारीख को मेरे को पैसा कट के मेरे खाते से सीधा जो बैंक अकाउंट में जमा हो जाए, या जो ऐसे जो म्यूचुअल फंड में जमा हो जाए जो मैंने डिसाइड कर रखा है, तो आपको ये रोजाना की जो सिरदर्दी नहीं रहेगी कि 1 तारीख है 2 तारीख है मेरे खाते से पैसा उसमें जमा करना है, तो आपको ये सिरदर्दी नहीं रहेगी। इसके लिए जो एक एसआईपी बोलते हैं, ये जो एक बैंक से हो जाती है या आप सीधे अपने फोन से जो इनेज कर सकते हैं, जिससे जो ऑटोमेटिक आपके पैसा म्यूचुअल फंड में जो फंड आप चूज करोगे उसमें आपका पैसा डायरेक्ट हो जाएगा जो भी तारीख डिसाइड करोगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हैं। पहला है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो डायरेक्ट प्लान के अंदर आता है, बहुत अच्छा फंड है। इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा हूं, आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसके साथ में जो टाटा स्मॉल कैप, जो ये फंड भी बहुत अच्छा है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर आता है, ये भी बहुत अच्छा फंड है। इसके बाद में तीसरा जो फंड है निपॉल इंडिया स्मॉल कैप, जो डायरेक्ट फंड है, ये भी बहुत अच्छा फंड है। इसमें भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा हूँ, आप जाके चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे वो बहुत अच्छा, बहुत लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा पैसा आपको ग्रोथ करके दे सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा इन फंड ने कितना क्या रिटर्न दिया है। मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मंथली में जो एसआईपी 5000 स्टार्टअप की होती,
आज से लगभग 10 साल 15 साल 20 साल पहले, तो आज मेरी जो उस पैसे की वैल्यू कितनी होगी। यदि मंथली मैंने 5000 रुपये स्टार्टअप किया होता फॉर यानी 15 साल के लिए, तो आज की डेट में उस जो 20% के हिसाब से रिटर्न दिया है, तो 20% के हिसाब से आज मेरा जो कॉपरेज वो बन जाता, जो अमाउंट बन जाता लगभग लगभग 56,74,474 रुपये। और यही 20 साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करता और कंटिन्यू रखता 20 साल तक, तो आज की डेट में उस जो वैल्यू 1,58,00,000 रुपये के आसपास मेरी आज की डेट में हो जाती है। तो यही है सब कंपाउंडिंग का पावर दोस्तों, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अब हम दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके दिमाग में और हमारे दिमाग में, बहुत से पब्लिक के दिमाग में ये सब डाउट चलते रहते हैं। उन डाउट के बारे में हम बात करेंगे, उन क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमने कि आज जो हम 1000 रुपये की स्टार्टअप कर रहे हैं SIP, तो कितने टाइम बाद कितना पैसा मिलेगा, तो हम आपको बता दें दोस्तों, आप जितने टाइम के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उतना आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि आपने 20 साल 25 साल 30 साल के लिए आप इन्वेस्ट करोगे, तो लगभग लगभग आपका वो 30 साल तक करते हो तो 1 करोड़ के आसपास निकलेगा, 1 करोड़ से ऊपर भी जा सकता है, आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। इसके साथ में म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट है, कौन सा फंड करें, तो आपको बता दूं दोस्तों, मैंने इस पर पूरा डिटेलेड वीडियो बना रखा हूं, आप देखना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कौन सा फंड आपके लिए बेहतर है आप चूज करके देख सकते हैं। 20 साल बाद कितना पैसा मिलेगा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर बीच में पैसा निकालना आ रहा तो क्या होगा, तो आपको बता दूं दोस्तों, इसमें अलग अलग चार्जेस होते हैं, ज़्यादा कोई चार्जेस लगेगा नहीं, लेकिन आपको जब भी मार्केट अच्छा है और आपका पैसा अच्छा ग्रोथ हो गया 10 साल 15 साल 20 साल बाद, तब आप आराम से निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करो, आपके पास में जो सेफ बचा है वो आपका काम नहीं आ रहा है, वो पैसा इसमें इन्वेस्ट करो जिससे आपका कोई तकलीफ नहीं हो, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं रहे और आपका पैसा पैसे बढ़ता जाए और आपका ग्रोथ होता जाए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों टैक्स और चार्जेस के बारे में, तो इसमें जो लास्ट में जो आपको जब आपका पैसा निकालोगे तो इसमें थोड़ा बहुत टैक्स भी लगता है, ज़्यादा पैसा होने पर टैक्स भी चार्ज किया जाता है, फीस भी आपको लगती है जो आपको हर एक साल में थोड़ी थोड़ी कटती रहती है। इसके साथ में जो आपका SIP कंटिन्यू करने के लिए कोई पैसा नहीं है तो क्या होगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत से लोग कहते हैं कि जेल जाना पड़ता है, आपको पेनल्टी लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा बाद में भी दे सकते हैं, या आपके पास में एक साथ पैसा आता है तब भी आप पे कर सकते हैं, आपके इसमें कोई ज़्यादा पेनल्टी वगैरह कोई लगता नहीं है। लेकिन हाँ, बैंक से जो आपने इनिश कर रखा है तो उसका कोई चार्जेस होता है, जो फेल्ड होने पर 250-300 रुपए ऐसा कुछ चार्जेस करते हैं जो आपको हर एक ट्रांजेक्शन पर कटने पर मिलता है। यानी आपको यदि आपके खाते में पैसा नहीं रहेगा तो आपको बैंक चार्ज करेगी, बाकी जो म्यूचुअल फंड कोई अलग से कोई फीस या अलग से कोई पेनल्टी या कोई चार्जेज नहीं लगाता है। म्यूचुअल फंड की कोई ऐसी जो रिकमेंड नहीं है और अभी तक मैंने किसी के नहीं देखा है, किसी के मुंह से मैंने नहीं सुना है कि म्यूचुअल फंड ने कोई पैसा काटा है, कोई पेनल्टी लगाई है, ऐसा कुछ नहीं है। और जेल की तो बात ही मत करो दोस्तों, ये सब अफवाहें हैं जो आपको लोग आम लोग पब्लिक है जो लोग आपको कन्फ्यूज करते रहते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो ये कुछ मैंने आपको तमाम डाउट तमाम सवालों के बारे में मैंने जवाब दिया है आपको। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना आप जरूर, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करो। जो लोग इस म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इसमें आके अच्छा खासा पैसा लगा सके और अपना पैसा ग्रोथ कर सके। मैंने आपको बेसिक जानकारी बताई है जो बहुत अच्छी है, आपको अच्छी लगी हो तो यूजफुल लगी हो तो अपने प्यारे दोस्तों से शेयर करना, और अभी के भी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसी वीडियोज और ऐसी अमेजिंग जानकारी आपके साथ शेयर करता रहता हूं, और म्यूचुअल फंड की जो पल पल की जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं, तो आप भी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर लाइक करना।